परेड ग्राउंड में विजयदशमी के दिन बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से रावण दहन कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। दशहरा पर्व को लेकर पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। मेले के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। इस दौरान कोई भी वाहन क्षेत्र में नहीं आ सकेगा। इसी के साथ ही पुलिस ने 3 अलग अलग रूट के लिए पार्किंग भी चिन्हित की है। 6 जगह बैरियर पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही विक्रमो और सिटी बस के रूट भी डाइवर्ट रहेंगे। SP ट्रैफिक सर्वेश पवार ने लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। इसी के साथ लोगों से इस दरमियान वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की भी अपील ट्रैफिक पुलिस ने की है। इसमें हमारा जो मेन जो मुख्य कार्यक्रम है वो परेड ग्राउंड है, तो उसके संदर्भ में हम लोग इसमें जो है पूरा जो परेड ग्राउंड जोन है उसे जीरो जोन बनाते हैं। कोई भी जो सिटी बस विक्रम और बड़े वाहन जितने भी हैं वो हम जो है उसे रोकते हैं परेड ग्राउंड में आने से। वो उनकी एंट्री उधर नहीं होगी, चारों तरफ बैरियर रहेंगे और उनका मार्ग जो है वो बाहर से बाहरी उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए भी अलग अलग स्थान है, जो हमने अपनी दून ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी हमने पूरी पार्किंग स्थल, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर भी सारे जो पार्किंग स्थल है वो चिन्हित करके डाल दिए हैं। और यही मेन जो है इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी।